Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram College. In last lecture, we studied about the social life of the later Vedic period. In that we saw the Patricharya family system, the system of marriage. Then we studied education, dress, then dietary habits, entertainment, then concept of Varna, Brahmana, Kshatriya. सॉरी कंसेप्ट ऑफ वर्मा में तीन टाइप चार टाइप्स के वर्ण हैं. एक तो ब्राह्मण, फर्स्ट इज द ब्राह्मण, मतलब जो ब्राह्मण क्लास है उसको. क्षत्रिय क्या है, ये अपना सैक्रिफाइस सबकी प्रोटेक्ट रक्षा कर देते. अवैश्य क्या है, देवर द टैक्स पेयर. और टैक्स पेयर में कौन आते थे, ये जो ट्रेडर्स है, एग्रीकल्चर है, आर्टिसंस है, सो दे आर द वैश्य. एंड शूद्रास क्या है, शूद्रास ये तीनों क्लास का सेवा करते हैं, लाइक दे हेल्प ऑल दिस थ्री क्लासेस. और ये सबसे लोवेस्ट है, इनकी कोई ताकत, दे हैव नो पावर, नो राइट्स इन द सोसाइटी. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आश्रमा. कंसेप्ट ऑफ आश्रमा यानी क्या, अपन ने देखा था ना पहले, फर्स्ट यानी क्या, आप जन्म लेते हो, दैट इज द ब्रह्मचर्य आश्रमास, राइट. देन गृहस्थ आश्रमास, देन वन प्रस्थान आश्रमास एंड संन्यास आश्रमास. ये चार आश्रमास हैं. सो लेट्स बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ आश्रमास. टू कर्ब द रिबेलियन नेचर ऑफ सम पीपल एंड स्ट्रेंथन द फैमिली इंस्टीट्यूशन एंड वंस सोशल कमिटमेंट, द सिस्टम ऑफ आश्रमा प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी. सी अभी सबको, सब पीपल को अच्छे से एडुकेशन मिले, सब स्ट्रांग हो, हाँ, सब सोसाइटी में एक जैसे रहे, इसलिए ये आश्रमा चालू किया था इन द सोसाइटी. इन द सिस्टम अ पर्सन लाइफ इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स एंड ही वाज असाइंड सम ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू हिज एज. अभी इसमें क्या है, ये जो पर्सन है, ही इज डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स. पर्सन क्या है, ये इंसान यहाँ पे फोर पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है और उसको कुछ ड्यूटीज दी रहती है विद रिस्पेक्ट टू हिज एज. उसके एज के हिसाब से उसको कुछ ड्यूटीज दी रहती है. सॉरी, ब्रह्मचर्य आश्रमास. ड्यूरिंग दिस आश्रमा द इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन वॉज स्ट्रेस्ड. सी ड्यूरिंग दिस आश्रमा क्या है, यहाँ पे एडुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, बराबर है ना. उस वक्त भी आज इम्पोर्टेंट, जितना एडुकेशन आज इम्पोर्टेंट है उतना उस वक्त भी एडुकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट था, राइट. क्योंकि एडुकेशन नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका इस दुनिया में जीना ही इम्पॉसिबल है. सो एडुकेशन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल एट दैट टाइम ऑल्सो. इन दिस आश्रमा ही वॉज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड हिज चाइल्डहुड एट हिज टीचर्स हर्मिटेज. सी आश्रमा में क्या है, जो भी बच्चा आश्रम में जाएगा वो अपना बचपन टीचर के साथ ही बिताएगा, जहाँ पे टीचर रहती है वहीं पे रहेगा. द एंट्रेंस इन दिस आश्रमा सैंक्टिफाइज विद द रिलीजियस गारमेंट्स ऑफ उपनायास व्हेन ही वाज 8 ईयर्स ओल्ड. अभी आश्रम में एंट्री कैसे मिलेगी आपको, उस वक्त भी एंट्रेंस एग्ज़ाम थी, जैसे आज एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, उस वक्त भी एंट्रेंस एग्ज़ाम थी. और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन लेगा, संस्कारा ऑफ उपनाया. उपनाया ये एंट्रेंस एग्जाम लेगा व्हेन यू विल बी टर्निंग 8 ईयर्स ओल्ड. आफ्टर उपनाया ही वॉज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन द टीचर्स हर्मिटेज अप टू 12 to 14 ईयर्स. सी भले उपनाया के साथ रहे आप, फिर वो डिसाइड करेगा आपका आश्रम एंड ऑल, आपका कैसे क्या करना है. फिर उधर वो होने के बाद उसके मुताबिक आपको आपके टीचर के साथ ही रहना है टिल यू वेट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स. मतलब अगर आप होशियार रहेंगे तो आप 12 साल में सब कुछ सीख जाएंगे, कुछ चीज़ें नहीं सीखी रह गई तो टिल द एज ऑफ 14 यू कैन स्टे देयर. हियर ही लर्नड वेरियस नॉलेज सिस्टम ऑफ दिस पीरियड. सी हियर अब क्या हो गया, यहाँ पे उसने क्या किया, ही लर्नड वेरियस नॉलेज सिस्टम ऑफ दिस पीरियड, दैट इज द वेदास, लिटरेचर, वॉरफेयर, पोलिटिकल साइंस, ट्रेडर एक्सेट्रा. अब यहाँ पे उसको बहुत सी नई नई चीज़ें, नए नए सब कुछ सीखना पड़ता है, दैट इज़ द लिटरेचर, वॉर कैसे करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ट्रेड एक्सेट्रा.
Here, the singular method of instruction was followed, that is learn by heart. यहाँ पे एक ही method follow होता है, like आप जो भी learn कर रहे हो वो दिल से learn करो और दिमाग में डालो, पूरे मन से learn करो. He should learn at same time provide manual labor to his teacher. See, वो वहाँ पे सीखेगा भी और उसी वक्त अपने टीचर को भी हेल्प करेगा. Thus, after his education, now he was ready for the second phase of the life, that is grihastha ashrama. See, जैसे ही आपका एडुकेशन हो जाता है, क्या हो, यू शुड बी रेडी फॉर द सेकेंड फेज, दैट इज द गृहस्थ आश्रमा. गृहस्थ आश्रमा, ड्यूरिंग दिस आश्रम ही वॉज एक्सपेक्टेड टू फॉलो हिज ड्यूटी इन फैमिली एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स सोसाइटी. सी, ड्यूरिंग दिस आश्रम क्या है, ही वॉज एक्सपेक्टेड, अभी उसके अभी सब सीख के आ गया, सब वो सब सीख के आ गया, जैसे ही हैड अ कम्प्लीट नॉलेज अबाउट द लिटरेचर, वॉरफेयर, ट्रेड एंड ऑल. अब उसको क्या करना है, नाउ ही इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक द ड्यूटी टूवर्ड्स हिज फैमिली एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स द सोसाइटी. अब उस चीज़ का उसको ध्यान रखना है. सो वॉट, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मैरी एंड बिकेम फादर ऑफ सन. सी, उस जमाने में ना लड़कों को बहुत इम्पोर्टेंस था. आज अपन बोलते हैं लड़कियाँ इम्पोर्टेंट है ये वो, बट उस वक्त ऐसा था कि बाबा लड़कों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस था. तो क्या है, शादी करने का और एक लड़के को जन्म देने का. बिसाइड, ही शुड परफॉर्म दोज ड्यूटीज़ विच असाइन टू हिम बाय द स्क्रिप्ट. और उसके अलावा उसने वो भी सारी ड्यूटीज़ करने की जो अपने स्क्रिप्ट में लिखी हुई है. फोर पुरुषा तक और ड्यूटी असाइन टू हिम लाइक धर्मा. सी, अब स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या है, उसको चार ड्यूटीज़ अच्छे से निभानी है, दैट इज़ द धर्मा, सोशो रिलीजियस ड्यूटी एंड ऑक्यूपेशन. उसको बोला है आर्था, अर्थ यानी ऑक्यूपेशन, कामा यानी मैरिटल लाइफ एंड मोक्षा टू स्ट्राइव फॉर यूनियन विथ गॉड. सी, चार ड्यूटीज़ रहती है हर इंसान की, दैट इज़ धर्मा टूवर्ड्स योर सोसाइटी एंड देन और योर ऑक्यूपेशन का ध्यान रखना है, फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी का ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको आपको मोक्ष प्राप्त करना है, लाइक भगवान के पास जाना है. ही वॉज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म फर्स्ट थ्री ड्यूटीज ड्यूरिंग दिस आश्रमा. सी, जब आश्रम में रहते हो तभी तीन ड्यूटीज आपको फॉलो करना, दैट इज द धर्मा, फिर आपको क्या काम करना है और आपका शादी. वेयर एज इन द नेक्स्ट टू आश्रमास ही वॉज रिक्वायर्ड टू थ्रिस्ट फॉर मोक्षास, द फोर्थ वन. फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, सेकेंड आश्रम में आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए ट्राई करना है. ही शुड टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स एंड कमिटेड टू द सोसाइटी. सी, उसने अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने का और क्या है, अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रखने का. इन एडिशन, थ्रू वनप्रस्था आश्रमा एंड संन्यास आश्रमा, अ स्पेस प्रोवाइडेड फॉर हिज रिबेलियन नेचर. सी, इन एडिशन क्या है, थ्रू वनप्रस्था आश्रमा, उसके अलावा भी क्या है, ये जो वनप्रस्था आश्रमा है और संन्यास आश्रमा है, उसके लिए भी उसने जगह देनी चाहिए, उसको भी उसने इम्पोर्टेंस देना चाहिए. देन वनप्रस्था आश्रमा, ड्यूरिंग दिस आश्रमा ही वॉज एक्सपेक्टेड टू रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल हाउस होल्ड टास्क एंड असाइन हिज ड्यूटी टू हिज सन. सी, ड्यूरिंग दिस आश्रम क्या है, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू रिलीव हिमसेल्फ. अभी यहाँ पे क्या है, उसने अपनी सारी जिम्मेदारी से मुक्त होता है और सब कुछ अपने बेटे को सिखा देता है और सारी जिम्मेदारी अपने बेटे पे डाल देता है कि बाबा ये मेरा राज्य था, मैंने ऐसे से इतने साल रूल किया, अब ये राज्य तुझे संभालना है एंड ऑल, राइट. ही कुड लिव इन द हाउस बट शुड स्पेंड मोर टाइम इन द सेक्युलेशन रिमेंबरिंग गॉड. सी, अभी क्या है, अभी वो घर में रह सकता है बट क्या है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भगवान की भक्ति करने में, लाइक प्रेयर वगैरह करने में बिताना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वैसे बिताना है उसको. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द संन्यास आश्रमास. दिस इज द लास्ट फेज ऑफ दिस लाइफ. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज एक्सपेक्टेड टू लिव हिज होम एंड स्पेंड रेस्ट ऑफ दिस लाइफ इन फॉरेस्ट और एट द फीट ऑफ गॉड.
संन्यास आश्रमा क्या है, ये सबसे लास्ट फेज है। और इस पीरियड में क्या है, आपको आपका घर छोड़ना है और आपका सारा वक्त आपको जंगल में बिताना है या फिर भगवान की सेवा में पूरा बिताना है। नाउ द नेक्स्ट लाइफ इज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। ऑल्दो पेस्टोरिज्म वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ वैदिक पीपल, हाउएवर मोस्ट ऑफ देम वेर ओरिएंटेड टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। सी फर्स्ट लेट अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, पेस्टोरिज्म को ही इम्पोर्टेंस था, पेस्टोरिज्म पे ही सब कुछ उनका चलता था। लाइक कैटल्स जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा वो वेल्थ, उतने ज़्यादा उसके पास वेल्थ रहता था। झगड़ा किस बात का होता था, कैटल्स चूरा है इसलिए झगड़ा होता था एंड ऑल राइट। खाने में क्या मिलता था उनको, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, हाँ वीट बार्ले, ये खाने में रहता था। तो अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या है, पेस्टोरिज्म तो उनका मेन ऑक्यूपेशन था वैदिक पीपल का, बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, एग्रीकल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लग गई। सो एग्रीकल्चर, नाउ द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड। सी अभी क्या हो गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या हो गई, अच्छे से डेवलप हो गई। ऑल द स्टेजेस वेर अंडरटेकन थरोली एंड सिस्टमेटिकली, लाइक प्लाउविंग, सीडिंग, कटिंग, थ्रैशिंग एक्सेट्रा। सी ऑल द स्टेजेस, जो भी स्टेज थे वो सब कुछ अच्छे से चल रहे थे, जैसे थरोली लाइक सिस्टमेटिकली सब चल रहे थे, लाइक प्लाविंग, सीडिंग, कटिंग, थ्रैशर्स एक्सेट्रा। द फार्मर्स स्टार्टेड प्लाविंग लैंड्स विद द हेल्प ऑफ 6 to 24 bulls। अब फार्मर्स ने क्या किया, दे स्टार्टेड प्लाविंग लैंड्स। अभी लैंड प्लव करना चालू किया, कितने बुल यूज़ करते थे, एटलीस्ट 6 से 24 bulls यूज़ करते थे वो फार्म में, ताकि वो अच्छे से प्लाविंग कर सके। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स वेर बंडेड एंड वाटर्स वेर प्रिजर्व फॉर द एंटायर ईयर। रिवर्स और स्ट्रीम्स क्या करते थे, उधर से पानी लेके क्या करते हैं, पूरा पानी प्रिजर्व करके रखते थे वो। ड्यू टू डेवलपमेंट इन एग्रो इरीगेशन टेक्नोलॉजी, नाउ अ फार्मर कुड टेक क्रॉप्स ऑफ वेरियस वराइटी लाइक वीट, बार्ले, राइस, कॉटन, वेजिटेबल, पल्सेस, ऑयलसीड्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। सी अब क्या है, इरिगेशन टेक्नोलॉजी भी उनको पता चल गई, इरिगेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसका उनको थोड़ा सा नॉलेज आ गया था। तो क्या है, आप बोलो क्या है, पूरे साल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं और अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, लाइक वीट, बार्ले, देन राइस, कॉटन, वेजिटेबल, पल्सेस, ऑयलसीड, फ्रूट्स एक्सेट्रा। नाउ वैदिक आर्यंस स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कंसिडरेबली सरप्लस। अभी क्या है, अभी वाटर प्रिजर्व कर रहे तो क्या है, वो एग्रीकल्चर सारा अच्छे से कर सकते थे राइट। अभी एग्रीकल्चर अच्छे से हो रहा है क्योंकि पौधों को पानी अच्छे से मिल रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन स्मूथली। तो क्या है, जब जो फसल आ रही थी वो भी अच्छे से आ रही थी एंड इट वॉज कमिंग इन एन एक्सेस फॉर्म। तो अभी उनके पास क्या रह रहा है, दे आर हैविंग अ सरप्लस प्रोडक्शन एंड नाउ दे हैड टू थिंक अबाउट इट्स इन्वेस्टमेंट। तो अभी क्या आ गया, इट्स द टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी उनको देखना ये सारी चीज़ें कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें। दस द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सरप्लस पेव्ड वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्स एंड ट्रेड। सी अभी क्या है, ये ग्रोथ इन एग्रीकल्चर क्या है, सरप्लस, ये राह दिया डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्स एंड ट्रेड को, एक नई राह देती। देन क्राफ्ट इंडस्ट्री, द अर्लियर क्राफ्ट्स वेर कंटिन्यूड इन एडिशन, मोर स्पेसिफिकेशन कैन बी सीन इन दिस स्टेज। सी द अर्लियर क्राफ्ट क्या है, जो पहले जैसा क्राफ्ट चलता था आज भी वो वैसा ही चल रहा है, बट ज़्यादा स्पेशलाइजेशन ऐड हो गए इस स्टेज में, लाइक थिंग्स आर गोइंग ऑन इन अ मोर बेटर वे। हाउएवर द नेचर ऑफ सच क्राफ्ट वॉज मोस्टली ऑफ कॉटेज टाइप। सी द नेचर ऑफ सच क्राफ्ट, अभी यहाँ पे कॉटेज टाइप ज़्यादा यूज कर रहा है। द वीविंग एंड डाइंग इंडस्ट्री वॉज फ्लरिश्ड। द वीविंग और डाइंग इंडस्ट्री क्या है, इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। सो लाइक द लेदर वर्क की जैसे, बाई यूजिंग केन्स एंड ग्रास द मैट्स एंड कार्पेट्स वेर मेड। सी केन्स और ग्रास का क्या कर रहे हैं, वो लोग यूज कर रहे हैं और प्रॉपर मैट्स एंड कार्पेट्स बना रहे हैं। बिसाइड
we came across to some other artisans like musician, astrologers, cooks, driver, messenger, etc. See, the weavers or dyeing industry flourish हो रही है, leather का काम चल रहा है. अब by using canes and grass आप क्या बना रहे हो, मैट और कारपेट बना रहे हो. और उसी वक्त क्या है, और बहुत से अदर आर्टिस्ट भी सामने आए, जैसे क्या है, म्यूजिशियन, एस्ट्रोलॉजर, कुक्स, ड्राइवर्स, मैसेंजर्स एक्सेट्रा. हावेवर ड्यू टू रिजिड वर्ना का सिस्टम वी फाइंड हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन एंड इट्स कंपार्टलाइजेशन स्पेशलाइजेशन इन रिलेशंस टू कास्ट. हेंस क्या हो गया, अभी कास्ट सिस्टम क्या है, हेरिडिटी वाइज ऑक्यूपेशन चल रहा है, थोड़े से स्पेशलाइजेशन भी ऐड हो गए थे, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस भी ऐड हो गए थे टू द कास्ट. नेक्स्ट इज द ट्रेड. द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड कॉन्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट लेड टू द प्रोग्रेस लेड टू द ट्रेड टू लेड द ट्रेड टू प्रोग्रेस. द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छे से हो रहा है और उसी तरह क्राफ्ट भी अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो अब जरूरत क्या है, ट्रेड की. नाउ द वैदिक आर्यंस कंट्रोल्ड एक्सटेंसिव रिलीजन देन अर्लियर. सी, अब वैदिक आर्यंस क्या है, दे कंट्रोल्ड एक्सटेंसिव रिलीजन देन अर्लियर. हेंस विद रीजन्स द मार्केट्स वेर ऑल्सो एक्सपांडेड. सी, अब रीजन के साथ क्या हुआ, मार्केट भी अच्छे से बढ़ने लग गया. नाउ द एक्सचेंज ऑफ प्रीवियस पीरियड डेवलप्ड इनटू प्रॉपर ट्रेड इन गुड्स लाइक गोल्ड, लेदर, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट एक्सेट्रा. सी, नाउ अब क्या हो गया, द एक्सचेंज ऑफ प्रीवियस पीरियड, अब पहले एक्सचेंज ऑफ पहले जो रहता था वही चल रहा है, बट प्रॉपर ट्रेड हो रहा है अच्छे से, लाइक गोल्ड, लेदर, क्लोथ, ऑर्नामेंट, यही सारा ट्रेड में यूज हो रहा है. द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड कंपाइल्ड ट्रेडर्स टू यूनाइट. सी, अभी ट्रेड अच्छे से डेवलप हो रहा है तो क्या है, बहुत से ट्रेडर्स भी यूनाइट हो रहे हैं. हेंस वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अर्ली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रोटो गाइड्स इन दिस पीरियड. तब क्या है, नाव क्या है, इट इज द बिगनिंग ऑफ द. सी, अब क्या हो गया, अभी वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ द अर्ली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीज ट्रेड वी फाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ अर्ली कॉइन्स लाइक निक्षा एंड करशापना इन इंडिया, हाउएवर लिमिटेड टू स्मॉलर ट्रांजेक्शन. सी, अभी क्या हो गया है, ट्रेड अपना इंक्रीज हो गया है, तो अब क्या है, नए नए कॉइन्स आने लगे, उनको अपन ने क्या नाम दिया है, निक्षा एंड करशापना इन इंडिया. और क्या है, अब ये सारे छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं दिख रहे बट छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होते थे. द टूल ऑफ मेजरिंग वॉज कॉल्ड एज कृष्णल. सी, द टूल ऑफ मेजरिंग वॉज कॉल्ड एज कृष्णल. द ट्रेड वॉज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बुलक कार्ट्स. नाउ द वाटर वे वेर ऑल्सो बी यूटिलाइज. सी, ट्रेड कैसे चल रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन विद द हेल्प ऑफ बुलक कार्ट्स, और वाटर वे भी अपन यूटिलाइज कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए. वी फाइंड द सी ट्रेड थ्रू 100 ships. सी, सी ट्रेड भी हो रहा है और उस सी ट्रेड में क्या है, 100 ship एक साथ जा रही है ट्रेड करने के लिए. द बार्टर सिस्टम वॉज नॉट ऑल टुगेदर फिनिश्ड इन दिस पीरियड. सी, बार्टर सिस्टम क्या था, स्टिल प्रिविलेंट इन दिस पीरियड. आज भी अपने को बार्टर सिस्टम वहाँ पे दिख रहा था, ऐसा नहीं कि पूरा बार्टर सिस्टम खत्म हो गया था, आज भी बार्टर सिस्टम चालू है यहाँ पे. टू मैनेज सच सिचुएशन एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी फाइंड द राइज ऑफ सेंट्रल प्लेसेस इन वास्ट एरिया. सी, टू मैनेज सच सिचुएशन, अब ये पूरी सिचुएशन अच्छे से अपने को मैनेज करना है और प्रॉपर कन्वीनियंस के लिए अपन क्या देखते हैं, वी फाइंड द राइज ऑफ सेंट्रल प्लेसेस इन वास्ट एरिया. अब बहुत से सेंट्रल प्लेसेस वगैरह हो रहे हैं बहुत से एरिया में. दिस सेंटर्स बेसिकली वेर क्राफ्ट एंड ट्रेड सेंटर्स. अभी ये जो सेंटर्स फॉर्म हो रहे हैं दे वेर द क्राफ्ट एंड ट्रेड सेंटर्स. हावेवर दिस डेवलप्ड इन लेटर वैदिक पीरियड वॉज ऑफ एन अर्ली स्टेज हेंस नेसेसरी मॉडलिटी वेर वेटिंग. सी, अब ये क्या हो गया है, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया है, अर्ली स्टेज के जैसा कुछ नहीं रहा, अभी नेसेसरी
चीज़ें मॉडर्नाइज होने लगी। नेवरदिलेस इन दिस पीरियड एन इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज लेड ऑन विच द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ 6th BC वॉज मेड पॉसिबल। सी नेवरदिलेस क्या हो रहा है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन ले हो रहा है और सेकेंड अर्बनाइजेशन चालू हो रहा है, और सेकेंड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या कब हो रहा है ये, दैट वॉज इन द 6th BC इट वॉज मेड पॉसिबल। विल वाइंड अप अवर लेक्चर हियर, इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी द रिलीजियस लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। मीनवाइल रीड द टॉपिक वेल, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आई डी इज रसिका.पगारिया@theRateArahamEdu.in। थैंक यू।